नमस्कार, मैं पूनम सागर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं नगर परिषद चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार नेत्रपाल सिंह तंवर जी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे एवं उनका निवारण करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका, आप अपने पूरे परिचय के साथ बताएंगे। मेरा नाम नेत्रपाल सिंह है। मैं 1991 में पहली बार पार्षद बना और उस समय से आज तक नगर परिषद में जिस तरह से परिवार से जुड़ते हैं, इस तरह से जुड़ा रहा हूं। नगर परिषद मेरे परिवार की तरह है। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका मुझे भान ना हो, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मैंने पार्षद के तौर पे चेयरमैन रहते हुए अनेक कार्य किए और इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। जब मैं चेयरमैन था, मेरे चेयरमैन बनने के 6 महीने के पश्चात पलवल हरियाणा में सफाई पे पहले नंबर पे था। चंडीगढ़ के बाद सफाई में पहला नंबर ऑन रिकॉर्ड पलवल का आता रहा है। और यदि पार्टी की तरफ से और जनता की तरफ से मुझे आशीर्वाद मिला, मुझे अवसर मिला, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो शहर में जल भराव की समस्या है, इसका निदान मात्र 15 दिनों में है। यदि मुझे समय मिला और सही सुचारू रूप से कार्य हुआ, तो मैं पानी की समस्या को आने वाले 50 वर्षों तक के लिए समाप्त कर दूंगा। कोई जल भराव की समस्या नहीं रहेगी, मैं ऐसे प्रयास करूंगा। आए दिन महिलाओं के साथ जो अपराध होते रहते हैं, उसके लिए आप क्या सुरक्षाएँ प्रदान करेंगे? नगर परिषद की तरफ से सुरक्षा के तौर पर CCTV कैमरे लगाकर पुलिस का सहयोग किया जा सकता है। पलवल शहर को आप कितने अच्छे तरीके से जानते हैं? पलवल शहर को जिस तरह से कोई अपनी हथेली के बारे में जानकारी रखता है, इस तरह से मैं पलवल शहर के बारे में जानता हूँ। पानी कहाँ से शुरू होता है, नालियाँ कहाँ से शुरू होती हैं, नाला कहाँ से शुरू होता है, कहाँ समाप्त होता है, कहाँ बीच में पानी रुकने की समस्या बनती है, मुझे एक एक इंच का भान है। मैं अपने समय पे ये देखता था कि पानी की निकासी जो नाले से होकर के जा रही है, वो कहाँ रुक रही है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर कोई स्कूटर साइकिल नहीं जा सकती, गाड़ी जीप नहीं जा सकती, वहाँ पैदल जाकर के ये देखना होता है कि पानी कहाँ रुक रहा है, गंदे नाले का पानी कहाँ रुक रहा है। उदाहरण के तौर पर जो दयानंद स्कूल की बैक साइड से नाला निकलता है, वो पहले सोना रोड को क्रॉस करता है, फिर नूह रोड को क्रॉस करता है और फिर बड़े नाले में जाकर के पानी गिरता है। यदि कहीं किसी पॉइंट पे पानी रुकता है, आज जो पानी की समस्या बन रही है, उसको मैंने देखा है कि जो दयानंद स्कूल से पानी आ रहा है और एक तरफ अपना सेक्टर 2 का नाला भर करके जा रहा है, दोनों का टकराव हो रहा है और उससे पानी की जो स्पीड है, जो फ्लो है, वो आगे नहीं बढ़ रहा और पीछे कॉलोनियों में पानी खड़ा है। इसके समाधान के लिए नाले की जो नियम है कि नाला जहाँ से बनता है, वहाँ से पहले पहल जितना बनता है, उससे आगे जाकर के उसकी चौड़ाई बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पता नहीं कैसे किया गया है, किन अधिकारियों ने किया है, किन लोगों ने किया है। खेद के साथ मैं कह रहा हूँ कि नाले को पहले से जो आगे बढ़ रहा है, जहाँ चौड़ा होना चाहिए था, वहाँ सुकेड़ करके बना दिया गया है। और बीच में जहाँ पुलिया है, उसमें एक ऐसी दीवार खड़ी है जहाँ से पानी रुकता है, गंद रुकती है। इन समस्याओं का समाधान होने पर पानी की निकासी बेहतर तरीके से हो पाएगी। विपक्ष का कहना है कि नेत्रपाल सिंह तंवर जी भेदभाव की राजनीति करती है, तो इस पर आपको क्या कहना है? मैं शहर को अपने परिवार की तरह देखता हूँ और यदि हम अपने परिवार के साथ भेदभाव करेंगे तो वह ठीक नहीं। आज हम पलवल में आपस में हमारा किसी से मतभेद हो सकता है, लेकिन यदि पलवल में गंदगी है, पलवल में स्वच्छता नहीं है, पलवल हरित नहीं है, तो बाहर का जो आदमी आएगा, वो तो पलवल को देखेगा, वो तो पलवल से कहेगा कि पलवल में स्वच्छता कैसी नहीं है। तो मैं बाहर के लोगों के लिए प्रस्तुत करना है कि बिना भेदभाव के कार्य किया जाए। वर्तमान नगर परिषद के चेयरमैन के कार्यकाल को किस नज़रिए से देखते हैं आप? मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने कोई भी व्यक्ति अपनी कुर्सी पर बैठ करके गलत होने की कोशिश नहीं करता, सब अच्छा करने की कोशिश करते हैं।
वो एक दूसरी बात है कि हालात किस तरह से हैं, किस तरह से उनसे पिछड़ गए, ये इसके बारे में वही बता पाएंगे। नेत्रपाल सिंह तंवर जी एक बेहतर उम्मीदवार क्यों हैं? मैं आपको अपने बारे में बता चुका कि मैं पलवल में अपने अनुभव से वह ऐसे अनेक कार्य कर सकता हूं जो मेरे संज्ञान में हैं। उदाहरण के तौर पे एक कार्य मेरे अनुभव के आधार पर है, DPC जो मकान की DPC होती है, जो मकान का लेवल होता है। अनेक कॉलोनियों में आप देखोगे कि मकान एक बहुत नीचे चला गया है, एक मकान बहुत ऊपर बना हुआ है और सड़क हर बार उठाई जा रही है, मकान नीचे रह जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए ये आवश्यक है कि DPC का लेवल एक हो। उदाहरण के तौर पर कोई एक कॉलोनी हम लें, उस कॉलोनी में जो मकान बना हुआ है उस मकान की जो DPC है, जो उसकी ऊंचाई है, उसको मान करके कि भाई एक पैमाना मान करके उससे ऊपर कोई ना बनाए। इस पर सख्ती से पालना की जाए कि भाई कोई इससे ऊपर ना बनाए। इससे आगे एक ऐसा समय आएगा 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, कि सबका लेवल एक हो जाएगा और फर्श जो है ना अच्छे तरह से बन पाएगा। यदि जनता आपको आशीर्वाद के तौर पर जिताने का कार्य करती है तो सबसे पहला कार्य आप क्या करवाएंगे? मैं जैसे आपको बता चुका कि नगर परिषद मेरा परिवार है, शहर मेरा परिवार है, स्वच्छता, स्वच्छ पलवल और हरित पलवल ये मेरा लक्ष्य होगा। पानी निकासी ये समस्याएं छोटी हैं, लेकिन उससे जो बड़ा लक्ष्य है वो स्वच्छ पलवल और हरित पलवल है। जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? जनता के सहयोग के बगैर कोई भी यूनिट, कोई भी संस्था सफल नहीं हो सकती। जनता का सहयोग सर्वोपरि है, जनता का आदेश सर्वोपरि है, जनता ही आदेश देगी। हम तो जनता से यही अपील करेंगे कि वो स्वच्छ पलवल के लिए, हरित पलवल के लिए, इस पानी की समस्या के निपटान के लिए अच्छे उम्मीदवार को चुने और पार्टी जिसकी जिसको टिकट दे उसको चुने, पार्टी जैसा आदेश करेगी हम उनके साथ। आप सभी ने विस्तार से सुना कि नेत्रपाल सिंह तंवर जी ने बताया कि किन किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाएंगे एवं उनका निवारण करेंगे। यदि आप सबको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।